ये जेजेपी पार्टी तो हरियाणा में लोगों को से विश्वासघात करके राजस्थान भाग गई, तो इन लोग की आज आत्ममंथन रैली थी, इसीलिए वो रैली पिटी। वो तो हरियाणा से भाग गए, हरियाणा के लोगों को विश्वासघात देके उन्होंने कहा कि भाई यहाँ तो ठग लिया, अब राजस्थान में जाके ठगे। ये जेजेपी पार्टी तो हरियाणा में लोगों को से विश्वासघात करके राजस्थान भाग गई, तो राजस्थान में और राजस्थान में भी भाग गई, मगर राजस्थान के लोगों ने भी उनको अस्वीकार कर दिया। जहाँ तक इन लोगों की बात है, इन लोगों की आज आत्ममंथन रैली थी कि वो पार्टी क्यों फांसी पे आ गई, आज हरियाणा के में राजनीतिक अस्तित्व ना क्यों खत्म समाप्त हो गया, तो वो इस बात पे वो आत्ममंथन कर रहे थे। और उनका कारण ये था कि ये विपक्ष की जिम्मेदारी इनको जब मिली तो बीजेपी से विपक्ष की भूमिका ना निभाते हुए बीजेपी का साथ देते हुए हुड्डा साहब और हमारे पे निशाने हमको निशाने पे लिया इन्होंने। लोगों ने कहा आपको कहा तो था कि बीजेपी के खिलाफ विपक्ष करो, आप तो हुड्डा साहब के विपक्ष में हो, तो लोगों ने उसको उस तरह की राजनीति, ये जो बीजेपी के साथ साठगांठ करके राजनीति है, राज्यसभा इलेक्शन आए तब उनकी वोट डालो, प्रेसिडेंट का इलेक्शन आए तब वोट डालो, उपराष्ट्रपति का चुनाव आए तब बीजेपी के साथ वोट डालो, और फिर बाहर कहो कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं, लोगों ने कहा भाई फिर तुम्हारा कोई स्टैंड ही नहीं है तो हम भी तुम्हारे साथ स्टैंड नहीं करेंगे। इसीलिए वो रैली पिटी। इसी आज दोनों पैर की रैलियों का पिटने का दोनों अलग अलग कारण है। वो तो हरियाणा से भाग गए, हरियाणा के लोगों को विश्वासघात देके उन्होंने कहा कि भाई यहाँ तो ठग लिया, अब राजस्थान में जाके ठगें, मगर राजस्थान तक खबर पहुँचा दी हमने, हरियाणा के लोगों ने पहुँचा दिए, वो अब वहाँ उनकी ठगी की दुकान वहाँ नहीं चल पाएगी।